देखो देखो तो रासायनिक क्रिया के प्रकार ये ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो गया। तो सबसे पहले दो दो अभिक्रियाओं को देखते जाओ, दो दो अभिक्रियाओं को, ठीक है ना। पहली अभिक्रिया देखो क्या होती है, देखो ध्यान से। अगर अभिक्रिया के प्रकार की बात की जाए तो दो दो अभिक्रियाओं को देखते जाओ। पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हो गया, पहली संयोजन और दूसरी वियोजन, हो गया ना। अब देखो इसको कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। कैसा कहते हैं? कंपोजिशन। और उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन और ये कंपोजिशन। संयोजन अभिक्रिया का मतलब समझ लो, संयोजन अभिक्रिया का मतलब एक प्रकार से क्या है इसका पासवर्ड? शादी। कैसी पासवर्ड? शादी। कैसी पासवर्ड? शादी। शादी हमेशा किस में होगा? आदमी से आदमी में तो होगा नहीं, आदमी से आदमी से आदमी का होगा नहीं, आदमी से औरत का, यानी एक पुरुष और महिला के बीच में शादी होती है। देखो क्या है शादी, तो किसके किसके बीच? पुरुष व स्त्री, महिला, ठीक ना, महिला ना। देखो इधर महिला, तो पुरुष मान के चलो पॉजिटिव, तो महिला नेगेटिव। महिला माइनस होती है, माइनस नहीं होती, माइनस करने वाले होते, पॉजिटिव को माइनस कर देंगे, ठीक ना। एक लड़का कमाने वाला हो, किसी लड़की से दोस्ती हो जाए, उसका पूरा खर्च करके क्या करवा देंगे उनको? शून्य करवा देंगे, पूरा बैंक का, पूरा बैंक शून्य करवा देंगे। वो माइनस वाली होती है, यानी इसलिए उनके ऊपर माइनस चार्ज रखा जाता है। यदि आप इनके संपर्क में आएंगे तो ये आपको पॉजिटिव से नेगेटिव बना देंगे, समझ बात को। ये होता है महिलाओं का कमाल। देखो कुछ नहीं करती बेचारी, आप उनके संपर्क में जाइए तो सही, वो आपको धनात्मक से ऋणात्मक न बना दे तब जाना। सारा बैलेंस आपका दिखाएगा कि योर अवेलेबल बैलेंस इज 33 रुपीज, 30 रुपये कृपया इसको भर लीजिए, फिर कब जाने वो चाट बर्गर के लिए ऑर्डर कर देगी, कोई गारंटी नहीं। देखो तो पुरुष और महिला हमेशा कराए कि दो तत्व, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ध्यान से, तो संयोजन अभिक्रिया का क्या हो गया, लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ पदार्थों का योग हो उसी को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब सुनो, पुरुष और महिला के साथ देखो, शादी के बाद क्या होती है? संतान की उत्पत्ति। क्या होती है? संतान की उत्पत्ति। जैसे माता पिता से हम, ठीक है ना, माता पिता से कौन हम हुए ना, तो माता पिता एक प्रकार के क्या हुए? अभिकारक। क्या हुए? अभिकारक। और संतान उनकी क्या हो गई? उत्पाद। क्या हो गई? उत्पाद। तो देखो कराए कि अभिकारक से क्या बना? उत्पाद। उत्पाद क्या बना? उत्पाद। तो कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या हो? योग हो, जोड़ हो, मेल हो, ठीक ना। देखो क्या होता है इसका, इस संयोजन का मतलब ये होता है योग, ठीक ना। क्या होता है? योग, या क्या कह सकते हैं इसको? जुड़ाव। क्या कह सकते हैं? जुड़ाव, ठीक ना। इसको कह सकते हैं मेल। क्या कह सकते हैं? मेल। संयोजन अभिक्रिया को कई नाम से जानते हैं, ठीक ना। योग,
जुड़ाव, मेल, कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे बात को? तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के योग को क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का योग होता है उसी को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो पहला समीकरण कह रहा है कि C प्लस O2 बराबर क्या बना? CO2। क्या बना? CO2। अब देखो दूसरा, देखो कह रहा है कि NH3 यमोनिया है ना, NH3 प्लस ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखो तीन को एच, ये कैठो एक, तीन एक चार, तो यहाँ पे लिख लेंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। आयवसन में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखो शादी हुआ है तो झगड़ा भी होगा ना, देखो शादी में बिचारी आ गई अपने मायके से घर है, दुल्हा के घर है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगा? वो फुंसा के कहाँ जाएंगे गठे उठे लेके? अपने घर चली जाएंगे, ठीक ना। देखो क्या होता है वियोजन का, क्या होता है वियोजन का मतलब, क्या होता है वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना। क्या होता है? बिछड़ना, बिछड़ना, अलगाव। क्या होगा? अलगाव, ठीक ना। या क्या कह सकते हैं? दूरी, दूरी बना लेना। क्या करना? दूरी बनाना। इसका पासवर्ड देखो, अब इसका पासवर्ड, शादी हुआ तो क्या हो गया? झगड़ा। अरे झगड़ा नहीं यार, क्या तलाक हो गया। झगड़ा का मतलब क्या होगा? जैसे देखो पानी है गर्म करो, चाहे उसमें विद्युत प्रवाहित कर दो, दो अलग अलग तत्वों में टूट जाएगा ना, अलग अलग में हो जाएगा ना, अलग अलग पदार्थ आवेश ग्रहण कर लेंगे। तो उस तरीके से वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है? तलाक, तलाक की तरह, किसी बात को लेकर के, किसी बात को लेकर के, ठीक ना, किसी बात को लेकर के वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है? किसी बात को लेकर के, ठीक ना। अब जैसे देखो वियोजन को क्या कहेंगे? अब बात को लेकर के क्या, देखो पति पत्नी में झगड़ा कब होगा? जब कोई तीसरी बाहरी आदमी कुछ करेगा इंटरफेयर, तब बाहरी आदमी इंटरफेयर करेगा तभी झगड़ा होगा। हाँ, जैसे होली का दिन होके, आ जैसे आदमी का नाम बना तो हुआ के कह दे के भौजी तो रंग लगा दे, लगा दे तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो बाहरी कारक कैसे होगा? कैसा कारक? बाहरी कारक। वो कहेंगे कि हमसे झगड़ा है, तुमसे कैसे रंग लगवा दिया, चाहे तुम कैसे रंग डाल दी, है कि नहीं? देखा ना काम है, तो बाहरी कारक है। आए समझ में? अब देखो तो हमेशा वियोजन अभिक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वाह कारक। कौन सा कारक? वाह कारक जिम्मेदार होता है। कैसा कारक? वाह कारक, जिसको बाहरी कारक कहते हैं, ठीक ना। अब देखो लिखेंगे कि वह क्रिया, वह क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अब ये यौगिक बना था ना, करा कि जिसमें यौगिक, जिसमें यौगिक अपने मूल तत्वों में, मूल हो गया ना, अपने मूल तत्वों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। क्या कहता है? अपघटित, इसको मतलब अलगाव हो जाना, ठीक ना, अपघटित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वह यौगिक कराए कि जब यौगिक या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने मूल तत्वों में क्या जाता है, अपघटित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। हमने कहा इसका मतलब होता है बिछड़ना, अलग होना, दूरी बन जाना, जिसका पासवर्ड हमने क्या दे दिया? तलाक। हो गया ना। और हिंदू में कहते हैं कि पंचायत है उनका छुट्टी छुट्टा को, कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। कैसी है? वियोजन अभिक्रिया। अगर देखो पंचायत नहीं होती, गाँव के लोग उसके ऊपर आते नहीं, तो बेचारे अलग नहीं होते, अपने में झगड़ के फिर समझ के रह जाते ना, लेकिन वो गाँव को खाने पीने के चक्कर में पंचायत करवा देते हैं, इसके बाद दोनों मामला तनाव पे जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो जैसे करा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया ना, अब इसको क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। जैसे देखो दो गो देवरान जेठान होके एक घर में, क्या होके एक घर में दो गो देवरान जेठान होके, बहरे कौन आ जाए, बुढ़िया बेचारी, चाहे कौन दूसरा औरत आ जाए, अवका देखी ये बहरी जान तो तू तो यहाँ घरे खूब खटत हो ना, जाले घास करे तो तनी सा एक मुठा घास करी, आ एक बाद खाली तो हार शिकायत, खाली तो हार शिकायत,
वो क्या कर रही है? बाहरी है ना, तो बाहरी के कारण अब इनको लगेगा कि देखा हो हम तो दीदी के अपन सास माना तो नहीं हमारी बुराई कर रहे हैं। अब एक बात उन्हें दोनों में क्या होगा, कहे कि ऐसा ना कि अब आवाला तो कह दिला कि अपन तू बटवाला लोग है कि नहीं। जब दूसरा कोई आपके ऊपर हावी हो जाए, दो लोगों के बीच में कोई दूसरा हावी होगा तो आप लोगों का आप लोगों में क्या हो जाएगा, अलगाव। चाहे कोई भी हो, परिवार हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, प्रेम हो, कुछ भी होगा, कोई बाहरी आ गया तो समझ लो वहाँ से टूटना ही जरूरी है। समझ रहे हो बात को? गांव में देखे हो ना वियोजन क्रिया का कि दो देवरान जेठानो कोई जरूरी नहीं, देवराने जेठानो आ कोई, हाँ कोई एक बीच में आकर के कह दे कि बहनी तू तो घरे के अरे सिवान में खटत हूँ ना, यहाँ दोपहरिया में गेहूँ काटत हूँ, अपन वो मंगा के कोल्ड ड्रिंक गुच बा पी के तुम्हारे यहाँ हालत खराब है, एक बात किरकिरा रही है, होता ना ऐसा, जेल भुन जाएंगे, कहें कि अब अशोक कटिया होते तो होते, अगले बार अब संडा का भी अलग ही डलाई। समझ रहे हो किसके कारण? वाह कारण, ठीक है ना। तो यौगिक अपने मूल तत्वों में अपघटित हो जाता है, इसमें कौन प्रभावी होता है? तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हमने गर्म कर दिया, उष्मा का प्रभाव डाल दिया, क्या डाल दिया? उष्मा का प्रभाव डाल दिया, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन गई, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, टूट गया ना। हाँ अब इसके बाद आगे देखो कराया कि जैसे देखो क्या है, जैसे कह दिया जाए कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, दो दो एग्जाम्पल बहुत है भैया, टू FeSO4 हो गया ना, FeSO4 ठीक है ना, FeSO4 फेरस सल्फेट। अब इसको क्या कर दिया जाए, इसमें भी गर्म कर दिया जाए या उष्मा का प्रभाव दे दिया, किसका प्रभाव? उष्मा का प्रभाव दे दिया जाए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, किसमें? देखो यहाँ पे FeO3 किसमें बदल गया? फेरिक ऑक्साइड, किसमें बदल गया? फेरिक ऑक्साइड। फिर इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके बाद क्या बचा, ये तीन हो गए ना, अरे दो हो गए ना, फेरिक ऑक्साइड। अब इसके बाद देखो एक चीज और, इसको देखो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन घटक में टूटे। तो हमने कहा कि वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या कारण? वाह कारक, यौगिक अपने मूल तत्वों में अपघटित हो जाए, यानी कि इतने चीज मिलकर के इसका निर्माण किए थे, ठीक ना। बताया ना कि दो गो लेडीज लोग मिलकर अपन देवरान जेठान का रिश्ता निभावत रही, आ एक के बीच में आए बस चढ़ाए बढ़ा दिला, दोनों देवरान जेठान दुश्मन हो गए, ठीक ना। आयो सुन में ये होता है वियोजन, उतारो उसके बाद आगे की अभिक्रिया बता रहा हूँ। चलो देखो देखो तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देख लो, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार सुनो इधर बोलते, जैसे हमने बताया ना कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कहे ना कि अलगाव वाली, अलगाव वाली बताया ना, कितने कारण से तीनों का अलगाव होता है। जैसे अलगाव देखो क्या होता है, अलगाव के कई कारण होते हैं, पहले तो हमने कह दिया कि वाह कारक होगा तभी कोई भी रिश्ता है, जब तक कोई बाहरी प्रभावित नहीं करेगा, जब तक कोई बाहरी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा वो रिश्ता टूटेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो इसको प्रकार, तब कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे एगो शादी है छुट्टी छुट्टा का नौबत आ जाए शादी में, तो कहते हैं भैया क्या कारण है लोग ब्याह छूट गए, तो पहले का कारण कह देंगे, पहला कारण ये हो सकता है कि दहेज में कुछ बात लिए, दूसर की बात जब दोंगा बल ना तो एगो भैंस देवे कर ले, अंगूठी देवे कर ले तो ना देना तो भले कि छुट्टी छुट्टा हो जाओ, एक कारण हो गया है। दूसर का कारण हो गया तब कहेंगे कि भैया क्या कारण है कि पंचायत बटोर लिए, ठीक ना, तो कहेंगे कि ऐसा ना भैया कि नहीं कि लड़की एजेंट ना रहा थे, वो कहते कि नहीं कि हम अपने मैये बाप के यहाँ रहा, तो ये बोला कि अब एजेंट से रिश्ता टूट जा, ऐसे कारण होते हैं। जो कारण होगा उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है, ठीक ना। देखो पहला
तो पहला इसको कहते हैं विद्युत, क्या कहते हैं? विद्युत, विद्युत, ठीक है ना, क्या कहेंगे? विद्युत। देखना एक चीज, कहीं पूछ देगा कि वियोजन को किस नाम से जानते हैं, इसका मतलब था अपघटन, क्या होता है? अपघटन, अपघटन, अप का मतलब होता है अपने आप से, अपने मूल से, घटन का मतलब टूट जाना, अलग हो जाना, ठीक है ना, तो इसको विद्युत अपघटन कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। दूसरा उष्मीय, क्या कहते हैं? उष्मीय, उष्मीय। तीसरा प्रकाश, तीसरा क्या कहेंगे? प्रकाश, प्रकाश, क्या कहेंगे? प्रकाश, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन हो और उष्मीय अपघटन, ठीक है ना। सुनो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जब देखो जब वियोजन क्रिया किसके द्वारा? विद्युत के कारण, किसके कारण? विद्युत के कारण संपन्न होती है, पूर्ण होती है, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन, चाहे विद्युत वियोजन, क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन। जब देखो जब करा कि यह क्रिया, ठीक ना, किसके कारण संपन्न होती है? किसके कारण? उष्मा के कारण, यानी उष्मा के कारण टूट जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? उष्मी वियोजन, चाहे उष्मी अपघटन, ठीक ना। अब देखो जब यह किसके कारण होगा? प्रकाश के कारण, किसके कारण? प्रकाश, प्रकाश के कारण, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश वियोजन, चाहे प्रकाशीय वियोजन, क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब जैसे देखो एक एक एग्जाम्पल सब पे लिख लो, ठीक ना। सबसे पहले उसमें अपघटन चाहे विद्युत अपघटन को देख लीजिए, ठीक ना। विद्युत अपघटन देखो क्या है, टू एच टू ओ, देखो जल है ना, अब इसमें कर दिया जाए विद्युत, क्या कर दिया जाए? विद्युत, विद्युत हो गया, ठीक, विद्युत हो गया ना। विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने मूल अणुओं में क्या हो जाएंगे? टूट जाते हैं, ठीक ना, क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। देखो तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2, आया सुन में? एक हाई धनायन हो गया, ताई ऋणायन हो गया, इस तरीके से इसमें बता पाओगे कि धनायन ऋणायन कौन है? एक साथ रहेगा तो नहीं, ठीक ना। अब देखो इसके बाद उष्मी, कौन सा उष्मी, ठीक ना, उष्मी का मतलब गर्म, ताप, उष्मा, ठीक ना। अब इसके बाद देख लो उसमें भी, देख लो जैसे हमने लिखा था उसमें का एग्जांपल देखो, ए टू एफ ई एस ओ फोर, क्या करना था? किसका प्रभाव चाहिए? उष्मा का। किसका प्रभाव चाहिए? उष्मा का। तो किसमें? फेरिक ऑक्साइड टू कराया कि एफ ई ओ हो गया ना, एफ ई टू ओ थ्री, एफ ई टू ओ थ्री। इसके बाद बताया था ना कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, SO2 प्लस, इसके बाद SO3 हो गया ना। अब अगला देखो प्रकाश, ठीक, प्रकाश अपघटन, कौन सा प्रकाश अपघटन? जैसे देखो सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, किसके कारण? प्रकाश के कारण, सिल्वर क्लोराइड ना, करा किसके कारण? प्रकाश के कारण, ठीक ना। तो किसमें टूट जाएगा? देखो किसमें टूट जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2Ag सिल्वर हो गया प्लस Cl2 क्लोरीन हो गया ना, ये टूट गया आपका, आएगा सुन में, उतार लीजिए। अब कोई पूछ देगा कि एक बार बताओ ये सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, हमेशा किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। क्लोरीन किस में हो जाएगी? गैस में, जिसे लिखा जाता है ना, गैस को हमेशा यन से लिखते हैं, लिक्विड होता है, ठीक है, लिख लीजिए इतना तो।